अब हम लोग क्या देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम, हिंदी में लिखेंगे अपवाह तंत्र, लिखिए अपवाह तंत्र और ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अपवाह तंत्र, हेडिंग क्या है, अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र। देखिए यहां पे हम लोग दो तरह के रिवर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हिमालय रिवर और एक पढ़ेंगे क्या, पेनिनसुला रिवर। ठीक है ना, हिमालय रिवर वो है जिसका उद्गम कहां से हो रहा है, ओरिजिन, ओरिजिन कहां से है, हिमालय से। और कुछ रिवर्स हैं जिसका ओरिजिन कहां है, पेनिनसुला रीजन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेनिनसुला। ठीक, डिवाइडिंग क्या लेंगे, ड्रेनेज सिस्टम दो तरीके से है, हिमालयन और पेनिनसुला। हम लोग पढ़ेंगे क्या, हिमालयन रिवर्स, क्या पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर्स। इसमें है पहले क्या, इंडस रिवर सिस्टम, क्या, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु अपवाह तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रिवर्स याद करनी है, क्या करनी है, याद। ठीक है, हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ रिवर्स, उसके बाद हम क्या बनाएंगे यहां पर, मैप। ठीक, लिस्ट ऑफ रिवर्स लिखेंगे और फिर क्या बनाएंगे यहां पर, मैप। ठीक है, और फिर आप लोगों को क्या करना होगा, उसको याद। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिख लें हम लोग, लिस्ट ऑफ रिवर्स, लिखिए नंबर वन, नूबरा रिवर, कौन से रिवर, नूबरा। नंबर टू, श्योक रिवर, नंबर थ्री, फिर आप लिख सकते हैं गिलगिट रिवर, हाँ गिलगिट, गिलगिट। ठीक है, गिलगिट रिवर कहां है, पीओके में, कहां है, पीओके में। ठीक, उसके बाद फिर सुरु रिवर, सुरु, कौन सी रिवर, सुरु। ठीक है, इसके बाद जास्कर, जास्कर रिवर, ठीक, जास्कर। और ये सब कहां जा रही है, कहां जा रही है, कहां जा रही है, क्या बोल रहे हो, इंडस रिवर में, ये सारी की सारी कहां जा रही है, इंडस रिवर में। ठीक है, तो लास्ट हमने क्या लिख दिया, इंडस रिवर। हम लोग को क्या करना है, अब ये रिवर याद करनी है, कहां से चल रही है और कहां पर इसका मतलब ड्रेनिंग कहां है। ठीक है, हो गया, चलिए देखिए, हो गया ना सबका। देख क्या हुआ, देखिए सबसे पहले तो बात नहीं करिए भाई, देखिए एक तो ऐसे डिस्टर्बेंस बहुत है, ठीक है ना, तो बात करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, देखिए इंडस रिवर ऐसे देखिएगा,
यहां पर है लेक, कौन सी? मानसरोवर लेक। कौन सी है? मानसरोवर। ये आपको हमने कैलाश रेंज बताया था कि नहीं? तो कैलाश रेंज के फुट हिल्स में क्या है? मानसरोवर है। ठीक, ये मानसरोवर से एक लेक ओरिजिन होती है, कौन सी? इंडस। कौन सी होती है? इंडस। और ये यहां से जाके गॉर्ज बनाती है, कहां पर? नांगा पर्वत पर। कहां? नांगा पर्वत। और कहां जाके ड्रेन करती है फिर? अरेबियन सी में। कहां? अरेबियन सी में। ठीक है, यहां पर। ठीक, अरेबियन सी पर। एटलस में देख लीजिए, जो लोग पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, वो लोग एटलस में इसको देख लें एक बार। देखिए एटलस खोलिए, एटलस। चार लोगों के बीच में एक ही एटलस है क्या? हाँ, आपकी है, बाकी लोग नहीं लाए? नहीं लाए क्या? क्यों नहीं लाए भाई? वहां रखिए, बाहर लाइब्रेरी में। इंडस रिवर दिख रही है? दिख रही है। भारत में एंटर कहां से कर रही है आपकी? देखिए, ये एंटर कर रही है आपकी डैम चौक से। कहां से कर रही है? डैम चौक। तो इस रिवर को ऐसे बनाइएगा। ठीक, कहां से एंटर कर रही है? डैम चौक रीजन से कर रही है। कहां पे? भारत। और नंगा पर्वत के पास क्या हो जा रही है? गॉर्ज बनाकर किधर बेंड हो गई? साउथ की तरफ। और जाके कहां गिर रही है? अरेबियन सी में। तो पहले तो हो गई कौन सी? इंडस रिवर। अब देखिए, देखिए यहां पर एक ग्लेशियर है, दो ग्लेशियर है इनफैक्ट। एक ग्लेशियर है कौन सा? सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन। तो सियाचिन से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है क्या बताएं? नुब्रा रिवर। कौन सी? नुब्रा रिवर। देखेंगे सियाचिन से एक रिवर निकल रही होगी, कौन सी? नुब्रा। ठीक, और यहां पर है रिमो ग्लेशियर। क्या है? रिमो ग्लेशियर। रिमो ग्लेशियर। ठीक, रिमो ग्लेशियर से एक रिवर निकल रही है, कौन सी? श्योक। कौन सी? श्योक। तो श्योक में जाके कौन सी रिवर मिल रही है? कौन सी मिल रही है आपकी? ये रिवर कौन सी है? नुब्रा। और ये है श्योक। और श्योक जाके किससे मिल रही है? इंडस। तो बताइए, सियाचिन से कौन सी निकली? नुब्रा। रिमो से कौन से निकली? श्योक। और नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी बनी? श्योक की। और श्योक फाइनली जाके किससे मीट की? इंडस से। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, ये रिमो ग्लेशियर है। क्या है वो? रिमो ग्लेशियर है। ठीक, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि नुब्रा रिवर का पानी क्या, नुब्रा इज इट डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस और नॉट? नो, मतलब स्टेटमेंट क्या है? गलत। और अगर आ जाए श्योक रिवर इज द डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी, तो वो होगा। ठीक है ना, एक रिवर आती है यहां से, कौन सी? गिलगिट। कौन सी? गिलगिट। ये पीओके से आ रही है। कहां से आ रही है? पीओके से। ठीक है ना, कहां से आ रही है? पीओके से। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडस रिवर। ठीक, तो इंडस रिवर में हमने अभी कितनी रिवर पढ़ी? तीन रिवर। एक पढ़ी कौन सी? नुब्रा, फिर श्यो और फिर गिरगिट। अब बताइए ये रिवर आ कहां से रही है? मानसरोवर से आ रही है ना। कहां से आ रही है? मानसरोवर से आ रही है। तो जब ये मानसरोवर से आएगी, तो इधर अगर इधर आ रही है तो इस तरफ क्या है? राइट है कि लेफ्ट? अगर इधर से आ रही है कोई, तो इधर क्या है? राइट।
तो ये सारी रिवर्स क्या है? राइट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। तो क्वेश्चन अगर आ जाएगा श्योक रिवर इज द राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, इज दिस राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है, सही, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए इधर, यहां पर है आपका क्या? कारगिल। कहां पे? यहां पर। यहां पे क्या है? कारगिल। कारगिल, ठीक है। यहां पर एक हमने आपको बताया था पेंसिला, क्या बताया था? बताया था ना, वहां से एक रिवर निकलती है, कौन सी? सुरू। और जाके किससे मिल रही है? इंडस से। तो आप बताइए कि कारगिल से कौन सी रिवर जाती है? सुरू रिवर। अब बात समझ में आ गई? आ गई ना, ठीक। अब एक रिवर और है, कौन सी? यहां पर, और वो है कौन सी? जास्कर। तो हमने सबसे पहले कौन सी रिवर बताई, सबसे बाद में कौन सी रिवर बता रहे हैं? जास्कर। कौन सी? जास्कर। और जास्कर रिवर इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, यानी इसकी पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी है? जास्कर। बस समझ में आई? तो ये मिलती कहां पे है? इस जगह पर है लेह, क्या? लेह। तो लेह के थोड़ा आप कह सकते हैं 40-50 किलोमीटर आगे एक जगह है नीमू, क्या नाम है? नीमू विलेज है, नीमू विलेज। वहां पे जाके ये किससे मिल जा रही है? इंडस से, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन है कि लेह किस क्या कहते हैं सिटी, किस रिवर पे? तो आप बता लेंगे कि नहीं? बता लेंगे ना, ठीक। अब बताइए कितनी रिवर्स हो गई? सारी हो गई? हो गई, बना लीजिए, बना लीजिए इसको। हाँ, एटलस में सारा नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूं है, ठीक है ना, वहां पर है।